गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना फिफ्थ लेसन पढ़ रहे थे, रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह। हमने पढ़ा था रंगा जो है अकाउंटेंट का लड़का है, लेखाकार का पुत्र है और गांव के बीच में एक असाधारण व्यक्तित्व का है जो कि अपना अध्ययन पूर्ण करने के लिए नगर में जाता है और जब वह वापस बेंगलोर से अपने गांव लौट आता है तो गांव के लोग उसके घर के आसपास यह देखने के लिए एकत्रित होते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं। उसके बारे में विचार करते हैं कि उसके विचार पूर्ण रूप से भिन्न है अथवा वैसे ही हैं। तो ये सब हम जो है इसमें पढ़ रहे हैं और इसके बाद आगे देखिए पेज नंबर 18 पे जहाँ से कल हमने रखा था। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर। राइटर क्या कह रहा है कि मैं जो है रंगा के चरित्र की इस विशेषता की तरफ मुझे अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, यानी रंगा के चरित्र के जो करेक्टर है, रंगा के चरित्र की विशेषता की तरफ मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। करेक्टर का मतलब चरित्र, अटेंशन ध्यान। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड एंड राइटली असेट पीपल्स वर्थ, यानी कि जो रंगा है उसके बारे में बता रहा है। वह ये बात जानता था कि कब और किस व्यक्ति से बात करना उसके लिए जो है लाभदायक है, यानी उसके लिए कब और किस व्यक्ति से बातचीत करना लाभदायक है। यहाँ पर ASSESED असेड, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। क्या होता है? मूल्यांकन करना। और WORTH वर्थ, वर्थ का मतलब होता है मूल्य, जो इससे पहली लाइन में आया था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विथ हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन। मतलब ये हुआ कि जहां तक उसके द्वारा मुझे किए गए नमस्कार की बात है, उसने यह आजकल के लड़कों की तरह नहीं कि जो सूर्य की ओर अपना सिर उठाते हैं, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट, और बिना जो पोल, पोल का मतलब खंभे, यानी और बिना जोड़ों के खंभे की तरह तनकर खड़े होकर अपने शरीर को झटका देते हैं। जर्किंग हिज बॉडी, यानी शरीर को झटका देते हैं। एज इफ इट वॉज आइदर ए वेंड और वॉकिंग स्टिक, और ऐसे लगते हैं मानो कि वह कोई जादू की छड़ी है। स्टिक का मतलब छड़ी, या घूमने के लिए काम में लाई जाने वाली कोई डंडी है या कोई डंडा है। वॉकिंग स्टिक यानी घूमने का डंडा। नोर डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड, नोर डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड, उसने न केवल अपने हाथ जोड़े, ठीक है, ही बेंट लो टू टच माई फिट, बल्कि वह मेरे जो है फिट, फिट का मतलब यहाँ उच्चारण से हो गया, मेरे उच्चारण को स्पर्श करने के लिए वो बेंट हुआ, यानी कि झुका। मे यू गेट मैरिड सून, और मैंने आशीर्वाद में उसे क्या कहा, आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसे आशीर्वाद में कहा मे यू गेट मैरिड मैरिड सून, यानी कि भगवान करे शीघ्र ही आपका विवाह हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजरिंग आई लेफ्ट, कुछ हंसी मजाक की बातें करके मैं वहां से चला आया, या यूं कह सकते हैं कुशल क्षेम। देखो PLEASANTRIES, इसको हम पढ़ेंगे प्लीजिंग
प्लेंटीन्स का मतलब होता है वेलबींग। वेलबींग का मतलब अपन अपनी भाषा में कहते हैं राजी खुशी या कुशल क्षेम। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था, रंगा कम टू माई हाउस विथ ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड। उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर आया, उसके हाथ में कुछ संतरे थे, है ना, तो अपने हाथ में कुछ संतरे लिए हुए रंगा मेरे घर आया। क्लियर है? ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। और वह एक विनम्र या यूं कहें कि दूसरों का लिहाज रखने वाला व्यक्ति था। उसने सोचा कि उसका विवाह करवा दिया जाना उसके दाम्पत्य जीवन को स्थिर करना और समाज सेवा के योग्य बनना एक अच्छी बात है, ऐसा मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय के लिए हमने इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं मुख्य बिंदु पे आया। रंगपा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? मैंने उससे पूछा कि रंगा, तुम विवाह करने की योजना कब बना रहे हो? आई एम नॉट नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ, ही सैड। उसने जवाब दिया कि मैं अभी विवाह करने नहीं जा रहा हूँ। मैंने पूछा, वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की ज़रूरत है। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की खोज करने की ज़रूरत है। आई नाउ एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 मंथ अगो। मैं एक अधिकारी को जानता हूँ जिसका विवाह 6 मंथ अगो यानी 6 महीने पहले ही हुआ है। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25। वह जो है लगभग 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी 25 वर्ष की, 25, 25 वर्ष। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लवलिंग टू ईच अदर। ठीक है, वे एक दूसरे से जो है प्रेम पूर्वक बातचीत कर सकें। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। उसने क्या कहा, मैं एक बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लिया, ठीक है, वह मेरे प्यार में बोले गए शब्दों को नाराजगी में बोले गए शब्दों के रूप में ले सकती है। रिसेंटली आई ट्रॉप इन बेंगलोर स्टेट द प्ले शकुंतला। उसने क्या कहा कि बेंगलोर में जो है शकुंतलम नामक नाटक का मंचन किया गया, ठीक है, यानी कोई नाटक हुआ था जिस शकुंतला के ऊपर इसका शीर्षक है। तो क्या कह रहा है कि मैं जो है अभी हाल ही में नाटककारों के एक समूह ने बेंगलोर में शकुंतलम नामक नाटक का मंचन किया, ठीक है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ सी वर यंग। क्या कह रहा है राइटर कि उसमें जो है दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों, क्या ऐसा होता है? लाइक द प्रेजेंट डेज ब्राइड्स इज देयर व्हाट वुड हैव हैपन्ड टू कालिदास प्ले। राइटर क्या कह रहा है कि कालिदास के नाटक का क्या हुआ होता यदि कोई विवाह करता। इफ वन गेट्स मैरिड, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर। दैट्स वाई
आई एम नॉट मैरिंग नाउ। राइटर क्या कह रहा है, यदि कोई विवाह करता तो ये ऐसी लड़की के साथ होना चाहिए जो मेच्योर हो, अन्यथा उसे अविवाहित ही रहना चाहिए। इसी कारण मैं अभी विवाह नहीं कर पा रहा हूँ। यानी उसका कहना है कि मेच्योर जो है, मेच्योर गर्ल, उसके साथ ही विवाह के बारे में वो बोल रहा है। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या इसका कोई दूसरा कारण है? ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर। उसने क्या कहा, एक व्यक्ति को उसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन अदर। यहाँ पर मतलब ये हुआ, अब तो ज़्यादातर माता पिता द्वारा जो है शादियाँ तय की जाती है, एक व्यक्ति एक लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है जिसके चेहरे पर एक ओर तो दूध के धब्बे हो और दूसरी ओर से उसका चेहरा गीला हो, और सो ठीक है वेटनेस गीला, और एक तरफ दूध के जो है दूध के जैसे धब्बे, क्लियर है, तो उस लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है। और सो यंग दैट सी डज नॉट इवन नाउ हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। और वह ये भी नहीं जानती है और इतना भी नहीं जानती है कि अपनी अंगुलियों को कैसे काटा जाता है, अपनी अंगुलियों को कैसे काटा जाता है। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गार्ड। बिटर गार्ड का मतलब करेला होता है, ठीक है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक प्रोवर्ब है। वन ए नीम फ्रूट अदर ए बिटर गार्ड, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एग्जैक्टली रंगाज लाफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा, एकदम ठीक कह रहे हो। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हजबेंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। यहां पर वो कह रहा है, आफ्टर सिटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। राइटर ये कह रहा है कि मैं जो है मैं निराश था, एक ऐसे लड़के के बारे में मैंने सोचा कि वह एक अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता है, उसने कुंवारा रहने का निश्चय कर लिया। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद रंगा चला गया, उसी समय मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं उसका विवाह करवाऊंगा। यानी रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया, और आई मेड अप माइंड राइट दैट देन आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसका विवाह करवाऊंगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रामा राव निस ए प्रीटी गर्ल ऑफ 11। रामा राव की जो भांजी थी, 11 साल की एक सुंदर, हैड कम टू स्टे विथ हिम। यानी रामा राव की भांजी 11 साल की एक सुंदर आकर्षक लड़की थी जो उसके पास यहाँ रहने के लिए आई थी। सी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन, वह एक बड़े कस्बे से थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम। वह बड़े कस्बे की रहने वाली थी, अतः वह वीणा और हारमोनियम नामक जो वाद्य यंत्र है उनको बजाना जानती थी। यानी वीणा और हारमोनियम दोनों को अच्छी तरीके से बजाती थी। सी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी अच्छी थी। किसकी? उस लड़की की। उसकी आवाज़ भी मधुर थी, अच्छी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों
मर चुके थे, किसके माता पिता? जो है उस लड़की के जो वीणा बजाने में माहिर थी। एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, और उसका मामा कौन है? रामा राव, उसे यहाँ घर ले आया। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। और मैंने क्या सोचा कि रंगा जो है उसके लिए उचित लड़का है और वह उसके लिए योग्य वधु है। कौन? वो लड़की। तो मैंने ये सोचा कि रंगा उसके लिए अच्छा लड़का है। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी। क्योंकि मैं रामा राव के घर अक्सर आया जाया करता था तो लड़की मेरे से घुल मिल गई थी। आई कंप्लीटली फॉरगेट टू मैंशन हर नेम। मैं जो है उसका नाम उल्लेख करना भूल ही गया। उसका नाम क्या है? रत्ना। उसका नाम रत्ना है उस लड़की का। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू दियर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ। अगले दिन सुबह मैं रामा राव के घर गया और उसकी पत्नी से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ जो है बटर मिल्क लेके आया हूँ। बटर मिल्क कहेंगे हम छास को। किसको? छा, यानी छास। आस्क रत्ना टू फेच इट, और रत्ना से कहा कि वैसे ले जाए। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज फ्राइडे, ये शुक्रवार था। सो सी वॉज वियरिंग ए ग्रांड साड़ी, उसने जो है एक साड़ी पहन रखी थी। किस प्रकार की साड़ी? शुक्रवार का दिन था और उसने एक शानदार साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड टू हर सिंग ए सॉन्ग। मैं उसे बैठने के लिए कहा और उससे गाना गाने का अनुरोध किया। आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने रंगा को बुलावा भेजा। वाइल सी वाज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वह गाना गा रही थी, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कृष्णा मूर्ति मेरी आंखों के सामने थी। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वह दहलीज पर जो है दहलीज पर रुक गया। कौन रुक गया? रंगा। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वह गाना जो है रुकाना नहीं चाहता था। बट वॉज क्रीशियस टू सी द सिंगर, लेकिन गायक को देखकर उत्सुक हुआ। केयरफुली, सावधानी से ही पिप्ड इन, उसने अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जो है प्रकाश जो है रुक गया था, यानी वो आ रहा था। लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, जो प्रकाश कमरे में आ रहा था वह रुक गया। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप, और जैसे ही उसने एक अजनबी को देखा, देखकर वो यकायक यानी अचानक रुक गई। कौन रुक गई? रत्ना। तो इस प्रकार जैसे ही उसका इंट्रो होना होता है, रत्ना रुक जाती है। और कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार जो है आगे की बातचीत होती है दोनों के मध्य। और आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। बाय।